दोस्तों, यहाँ पर आपको देखो जीके की जो सीरीज चल रही थी अभी बीच में थोड़ा स्टॉप हो गया था, लेकिन अभी ये बाकी काफी सारे क्वेश्चंस इसमें बचे हुए हैं। फिर वन लाइनर क्वेश्चन है जो कि एयरफोर्स में आते हैं, उनको मैं पूरा करा देता हूँ, ठीक है। बाकी तीन अगर सीरीज आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, तीनों वीडियो को फटाफट से देख लीजिएगा। ये प्रैक्टिस सेट के ही यू नो क्वेश्चन लिए गए। चलिए क्वेश्चन है, सबसे पहले सत्यमेव जयते का सूत्र वाक्य किस ग्रंथ से लिया गया है? तो ये इसका सूत्र वाक्य लिया है मुंडोपनिषद। निम्नलिखित में से किसे लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है? तो कौन है जिसे लोकसभा में यू नो तो वो महान्यायवादी। आगे देखिएगा, अम्बुड्समैन संस्था किस देश की है? तो ये जो संस्था है अम्बुड्समैन, ये है स्विट्जरलैंड की। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र सरकार वसूल नहीं करती, कौन सा कर है, टैक्स है, जिसे सरकार नहीं लेती है? तो देखो मनोरंजन कर जो होता है वो राज्य सरकार लेती है। बात करते हैं भाषा, भारत की भाषाओं का उल्लेख संविधान की किस सूची में पूछा है? तो इसमें देखो कई बार पूछा गया है, तो आपको पता होगा आठवीं जो सूची है उसमें भाषा के बारे में बताएगा। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की निर्धारित आयु कितनी होनी चाहिए? तो उसकी जो आयु बताई है वो दो करेगा। यहाँ पर आप देखते हैं आयु, अब आपने देखा होगा आयु यहाँ पर 25 भी होती है, ठीक है। मैक्सिमम कम से कम जो न्यूनतम होता है वो 25 होता है, यानी लोकसभा से यदि कोई भी कैंडिडेट प्रधानमंत्री पद के लिए जाता है तो वो 25, बाकी यदि आप राज्यसभा से हैं तो 30, ठीक है। तो इसमें कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस पशु से परिचित नहीं थे? तो देखो गाय, बैल, हाथी तीनों से थे लेकिन घोड़ा से नहीं थे, तो ये याद कर लीजिए आप। अब बात करते हैं आगे कि राजस्थान के किस लोक देवता ने महमूद गजनबी के साथ युद्ध किया था? तो महमूद गजनबी के साथ किया था, ये किया था, ये देखिए गोगाजी ने, ठीक है। प्रसिद्ध गीत गोविंद चित्र किस शैली का है? तो ये जो शैली है ये है मारवाड़ शैली जो राजस्थान से है। ईश्वर चंद विद्यासागर के सामाजिक आंदोलन के प्रेरणा थे? तो ये थे विधवा पुनर्विवाह आंदोलन से संबंधित थे ईश्वर चंद विद्यासागर। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो ये चार ऑप्शंस के अंदर बताना है। तो जो मणिपुर है उसकी सीमा नहीं लगती बल्कि मेघालय मिजोरम त्रिपुरा की लगती है। काराकोरम राजमार्ग निम्नलिखित में से किन दो देशों को जोड़ता है? तो देखिए काराकोरम है, ये आप मुझे कमेंट में बताइए कि ये किस रास्ते को जोड़ता है, ठीक है, ये कमेंट के लिए आपको छोड़ दिया। आगे हम बात करते हैं कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितनी तीलियां होती हैं, यानी ये वाली। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है और देखो पूछा भी गया है ना, 24 होती हैं। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये पुस्तक किसने लिखी थी? तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये नेल्सन मंडेला जी की लिखी हुई है। आगे देखो टेस्ट क्रिकेट में 700 विकेट लेने वाले प्रथम यू नो गेंदबाज कौन है? तो प्रथम गेंदबाज की यहाँ पर बात कर रखी है, तो ये है आपको पता होगा काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो यू नो वेशबॉर्न, तो यहाँ पर ये जो हो जाएगा आंसर इसका डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसको डिजर्ट फॉक्स कहा जाता है? तो डिजर्ट फॉक्स किसको बोलते हैं? ये जनरल रोमेल इसको उपाधि दी गई है डिजर्ट फॉक्स। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी में पुरुषों की साक्षरता कितना परसेंट है? तो देखो 2001 के जो अकॉर्डिंग साक्षरता दर है वह 75.85। ये देखो सारे आंकड़े इनको आप याद कर लीजिएगा, बस इनको एक बार रिकैप करना है बस आपको, ठीक है। 2014 विश्व कप जो हुआ था तो फुटबॉल टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किया गया था? 2014 में, तो ये हुआ था ब्राजील के अंदर। भारत में सिंचाई की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो आप मुझे इसका जवाब दीजिए, सिंचाई की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? अच्छा आगे देखो, धन्वंतरी थे इसके प्रसिद्ध भारतीय, तो धन्वंतरी थे जो भारत के प्रसिद्ध थे वो, लेकिन वो कौन थे? तो वो चिकित्सक थे। निम्नलिखित में से किस प्रकार का लघु दर्द तरंग होती है? तो देखो लघु दर्द जो तरंग होती है वो बैंगनी कलर होती है, उसका जो तरंग दर्द होता है वो थोड़ा कम होता है। आगे बात थोड़ा नहीं मतलब पूरा ही कम होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, आगे क्वेश्चन है सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण। आगे क्वेश्चन है क्राइजोनियम किसके संबंधित विज्ञान है? तो देखो क्राइजोनिक जो साइंस है ये आपको बताना होगा। ऑप्शन देता हूँ, उच्च तापमान, निम्न तापमान, ये सारे का सारा आपको याद करना है, ठीक है। तो जो क्राइजोनियम है वो निम्न तापमान से संबंधित है। निम्नलिखित तो पूर्व थल सेना अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? तो सबसे पहले जो प्रथम फील्ड मार्शल थे उसके बारे में आपको बताना है, तो सोचो जल्दी से। तो आपको पता है मानिक शाह थे, तो ये डी हो जाएगा। मल्लिका साराभाई निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ी हुई थी? तो मल्लिका साराभाई ये शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, ठीक है। तो इनको एक बार रिकैप करते जाओ, एयरफोर्स में आपका सिलेक्शन। भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थित है? तो सबसे पहला इंजीनियरिंग कॉलेज की बात की जा रही है तो ये है आपका रुड़की में। ध्वनि वायु में निम्नलिखित रूप से चलती है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो ध्वनि जो होती है वो वायु में अनुदैर्ध्य प्रत्यय तरंगों के रूप में चलती है, ठीक है ना, इनको याद करो।
आगे देखो, प्रजातंत्र की संसदीय कार्यप्रणाली में भारत का अंशदान क्या है? तो देखो, ये है आपका शून्यकाल। शून्यकाल जो होता है वो 12 से 1 का होता है, संसद के बीच में जो टाइम, उसी को बोलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का चुनाव किस प्रकार का होता है? तो जितने भी न्यायाधीश होते हैं उनका जो चुनाव होता है वो होता है मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, तो इसका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं कि राज्य विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो अधिकतम संख्या यहाँ पर पूछी गई तो वो 500 होती है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की शपथ कौन दिलाता है? तो ये दिलाते हैं मुख्य न्यायाधीश, जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ दिलाते हैं। यूपीएससी की अध्यक्षता के अलावा कितने सदस्य होते हैं? तो अध्यक्ष के अलावा 8 सदस्य और होते हैं यूपीएससी में। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में है? तो ये आर्टिकल पूछा है, तो समान अधिकार यानी 44। राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो देखो, राष्ट्रीय आय की जो गणना करता है ये करता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी सीएसओ। तो दोस्तों देखो, ये जितने भी थे कम से कम इसमें 200 से 250 क्वेश्चन थे जो कि आपके जीके पार्ट को कवर करते हैं। एक प्रैक्टिस सेट के मैंने पूरे के पूरे करवा दिए। अगर आप पूरा प्रैक्टिस है सिर्फ मोबाइल पर ही सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन 3 वीडियो का लिंक दे रखा है, करंट अफेयर वहां से भी मिल जाएगा आपको, और ये आपको नेक्स्ट वीडियो दे दिया है। तो इसे आप अच्छी तरह से एक बार रिवाइज जरूर करें। वीडियो अच्छी लगी और मेहनत आपको अच्छी लग रही है, सीरीज भी अच्छी लग रही है, तो इसको जरूर लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।